इस वीडियो इज़ पावर्ड बाय किका एचआर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग रिवॉल्यूशन, शॉकिंग त्रुट बोलने वाला हूँ। डू नॉट टेक द कैट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन टेकिंग द कैट इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ गुड स्कोर इन वन इयर। अगर आपने ए

तब जाके आपका एडमिशन होगा और हर फेज में फाइट है पहले कैट में आपको फाइट है एक साल का प्रिपरेशन करना है फिर आपको इंटरव्यू में फाइट है वैट में फाइट है जी होगा तो उसमें फाइट है तो पूरा फाइट है तो भैया रियलिस्टिकली अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको कैट में टॉप कॉलेज मिलना मुश्किल इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है वेट 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 वट आर यू सीइंग यू आर सींगट टू पॉइंट फाइव लैक स्टूडेंट्स टेक द कैट और ओनली टेन थाउजेंड पीपल गेट एडमिशन इन कॉलेजेस विद गेट देम गुड रूल्स मतलब अगर मैं टॉप ट्वेंटी थाउजेंड में हूँ ओवरऑल कैट एग्जाम और इंटरव्यू में तो मेरा कोई ऐसा कॉलेज एडमिशन नहीं होगा जहाँ मेरा अच्छा करियर बने यू से एग्जैक्टली अगर आप टॉप ट्वेंटी में आते हो जनरल कैटेगरी में तो भैया यू विल नॉट गेट रिटर्न फॉर द मनी दैट यू पुट इन मतलब कि आप 20 लाख देके एमबीए करोगे आप देखोगे कि, कि आप जब जॉब करने जा रहे हो तो आपके साथ जो लोग जॉब करने हैं आधे से ज़्यादा लोग एमबीए नहीं है आई वॉन्ट टू टेक नेम्स ऑफ कॉलेजेस बट एटी परसेंटाइल के से 85 फाइव परसेंट के बीच में अगर कुछ कॉलेजेस में एडमिशन होता है जो प्रोफाइल नहीं देखता है वहाँ पर आपको रोल्स वैसे नहीं मिलेंगे जो सिर्फ एम के लिए रिजल्ट है रोल्स वो मिलेंगे जो आप एम नहीं भी करो आपका पहला जॉब आप उस रूफा में लगाए तो आपको मिल जाएगा तो क्या फ़ायदा है एम करने का आई डेंट नो दिस मैन ओके सो यू आर टेलिंग मी नॉट टू टेक द कैट देन वॉट शुड आई डू मेरे को एम ही करना है मतलब मेरे को मार्केटिंग फाइनेंस एच में ही करियर बनाना है तो अब मुझे क्या करना चाहिए वॉट शुड आई डू नाउ यू कमिंग टू द माई मेन पॉइंट दिस वीडियो इज नॉट टू डिस्करेज यू इन डूइंग एन एम और नॉट टेकिंग द कैट दिस वीडियो इज़ इन टेलिंग यू इज़ टू टेल यू देर आर बेटर एग्जाम ऑप्शन अगर आपका कैट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो हो सकता आपका क्वान्टीक है अगर आपका क्वान वीक है और वर्बल स्ट्रॉन्ग है तो आपका सबसे अच्छा एग्जाम आपके लिए जो है वो है जी मैट जी मैट माई डियर फ्रेंड हे बट जी मैट इज वेरी कॉस्टली जैसे ही जी मैट में बीस हजार रुपए पच्चीस हजार रुपए फॉर्म भरने के लगते हैं और उसके बाद जी मैट के सब कॉलेजेस एक्सपेंसिव है इंडिया में तो कैट के थ्रू ही कॉलेजेस राइट द कैच जी मैट एक्सपेंसिव है ट्रू बट आप अगर जी मैट लिख लेते हो जी मैट का प्रिपरेशन चार से पांच महीने में हो जाता है जी मैट का क्वांट इज नॉट वेरी वेरी टफ जी मैट का वर्बल इज टफ और आप कोई भी पूछ लो जो जी मैट का प्रिपरेशन करता है फाइव टू सिक्स मंथस इनफ फॉर जी मैट हवेवर कैट का प्रिपरेशन फाइव टू सिक्स मंथ्स के बाद भी नहीं होता है क्योंकि कैट का क्वान्ट आज भी क्वान्ट और एल आर डी आई इंजीनियर्स क्यूर है इंजीनियर्स ज्यादा क्रैक कर पाते हैं कैट का क्वाट uh, और एल आर डी आई मैं खुद नॉन इंजीनियर हूँ तो मैं ये बात जानता हूँ मैं खुद इस प्रॉब्लम से पूछ रहा हूँ तो यार आप अपना जो टाइम वेस्ट करोगे नौ महीना दस महीना आपका पहला अटैम्प्ट में कैट नहीं हुआ अगला अटैम्प्ट में आप जी भी लिख दो कैट तो लिखे तो आपने पढ़ाई कर रखे हो लेकिन चार महीना का प्रिपरेशन करके जी का एग्जाम दे दो और जी मैट कॉस्टी जरूर है पर आपको कोचिंग नहीं लेना पड़ेगा ना अगर आप दोबारा कैट का कोचिंग ले रहे हो दोबारा कोई भी कोचिंग ले रहे हो कैट का या फिर आपको कैट नहीं देना अभी आप जी दे रहे हो बिना कोचिंग के दे रहे हो जी बिना कोचिंग के भी हो जाएगा एज नंबर वन एडवांटेज जी मैट जी मैट कि जी बिना कोचिंग के क्रैक हो जाता है अगर आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो तो ऑल राइट ऑल राइट बट माई क्वेश्चन इज अगर मेरा जी हो गया पर यार मुझे इंडिया में एम करना है आई में या कोई अच्छे कॉलेज से वो कैसे होगा जी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं टुडे इन 2023 ऑलमोस्ट ऑल टॉप स्कूल्स ओपन एडमिशन फॉर जी मैट स्टूडेंट्स एज वेल और मैं आपको सबसे अच्छा बात बताता हूँ जी में जनरली जो कैट में आप 99 नाइन परसेंट आइज लाओगे तब तो आपको आई वगैरह मिलेगा जी में आई के लेवल का कॉलेज जो आपको मिल जाएगा नाइन्टी नाइन परसेंटाइज में नहीं मिलेगा वो नाइन्टी परसेंट में मिल जाता है आई एस बी विच इज द बेस्ट कॉलेज टू जी मैट इन इंडिया वो सेवन हंड्रेड के ऊपर एडमिशन हो जाता है आपका प्रोफाइल अच्छा हो और सेवन हंड्रेड इज नॉट नाइन्टी नाइन परसेंट आइल जैस नाइन्टी परसेंट आइल मतलब कैट में आप नब्बे परसेंट आई ला रहे हो तो आपको मिलेगा कोई नॉर्मल सा कॉलेज लेकिन आप जी मैट में नाइन्टी परसेंट आईल ला रहे हो तो आपको मिलेगा बहुत बढ़िया कॉलेज आई एस बी प्रोवाइडेड आपका प्रोफाइल अच्छा हो बट बाकी कॉलेजेज भी जो बाकी कॉलेजे हैं जी मैट के इंडिया में उनका कैट में परसेंटाइज ज़्यादा का है कट ऑफ जी मैट में कम है बिट सॉन्ग मास्टर्स यूनियन आई एम टी एस पी जैन इन सब का जी मैट का कट ऑफ कम है कैट के कट ऑफ से तो भैया अगर आपको नाइन्टी परसेंटाइल आ रहा है ना कैट में और जी मैट में तो जी मैट से आपको जब बेटर कॉलेज मिल जाएगा अगर आपको जी मैट में नाइन्टी परसेंटाइल आया है तो कैट के नाइन्टी परसेंट डाइल से आपको जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे जो जी मैट के नाइन्टी परसेंट डाइल से आपको मिलेगा एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका पहला अटैम्प में कैट नहीं हुआ है तो जी मैट लो और अगर पहला अटैम्प भी दे लो कैट का तो जी मैट भी साथ में दो आई एम टेलिंग यू स्टेट अवे इफ यू वॉन्ट कि भैया अच्छा एम कॉलेज में ले साल बेचना हूँ जी का एग्जाम भी लिखो और दोस्तों मैं अब आप आपको बताता हूँ कि अगर आप जी का एग्जाम लिखते हो तो कौन कौन से कॉलेज आपके लिए इंडिया में ओपन है एट लेसर परसेंटाइज देंट दोस्तों जी मैट से जो कॉलेज है जो इंडियन इंडिया में एम में एडमिशन देते हैं नंबर वन आई एस बी सबको पता है आई एस बी का खास बात जी से ये है कि इसमें आपको नाइन्टी नाइन परसेंट है आप नाइन्टी परसेंट डाइल ला हो जी मैट में आपका प्रोफाइल अच्छा है आपका एडमिशन हो जाएगा प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो एडमिशन 99 में भी नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है आपको नाइन्टी लाना है एस पी जैन का भी यही है सेवन हंड्रेड स्कोर के ऊपर लाओ आपका एडमिशन के चांसेस होंगे जो कि नाइन परसेंट आईल के आसपास है बिटसॉम बिट्सॉम में तो आप एटी फाइव परसेंट डाइल लाओ जी मैट में आपके एडमिशन के चांसेस होंगे आई एम टियाबाद आई एम टी गाजियाबाद में भी सिक्स फिफ्टी के ऊपर आप स्कोर लाओ आपके एडमिशन के चांसेस होंगे मास्टर्स यूनियन में भी आप सिक्स एटी सेवन हंड्रेड के ऊपर स्कोर ले आओ आपके एडमिशन के चांसेस होंगे सारे कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं बट कुछ कॉलेजेस तो खुल रहे हैं आपको तो एक ही कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो जी मैट का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो भैया बीस हज़ार रुपये तो कहीं भी लग जाएगा एक अच्छा एमबी कॉलेज का फीस बीस लाख है तो जब बीस लाख रुपए दे रहे हो तो बीस में एक और एग्जाम क्यों नहीं भर रहे हो फिल द जिमैट ऑल द बेस्ट सेफ टेक।